बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। पिछले कुछ दिनों से सूरज आग बरस रहा है, झुलसा देने वाली गर्मी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। वेदर रिपोर्ट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि आज शाम से, यानी कि मंगलवार शाम से, मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है कि मौसम के मिजाज कुछ बदल सकते हैं। जी हाँ, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अगर मौजूदा तापमान की हम बात करें, पिछले 2-3 दिन के तापमान की बात करें, तो 40 डिग्री के पार दिल्ली NCR में जो टेम्परेचर है वो क्रॉस कर गया था, और ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी लोगों को सता रही थी, परेशान कर रही थी। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में आज शाम से मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा ये जो सिलसिला रहेगा वो गुरुवार तक जारी रहेगा, यानी कि 2-3 दिन आपको गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलेंगी। पिछले कुछ दिनों से लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं, चूँकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी फिलहाल तोड़ती नजर आ रही थी। ऐसे में अगर मौसम के मिजाज आज शाम से बदलते हैं तो ये एक राहत की खबर आप सभी के लिए रहने वाली है, उन राज्यों के लोगों के लिए रहने वाली है जहां पर बारिश होगी।